साल का आखिरी सुपर मून 7 मई 2020 को आसमान में नजर आने वाला है। अप्रैल में सुपर मून न देख पाने वालों के लिए इस साल का यह आखिरी मौका है। इस दिन चांद अपने सामान्य आकार से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देगा और उसकी चमक आमतौर पर दिखने वाले चांद से कहीं ज्यादा होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आप 7 मई को सुपर मून देखने में चूक गए तो इसके लिए आपको 27 अप्रैल 2021 का इंतजार करना होगा। गुरुवार को दिखने वाले इस सुपर मून को वैज्ञानिकों ने सुपर फ्लावर मून का नाम दिया है। इससे पहले अप्रैल में दिखाई दिए सुपर मून को पिंक मून नाम दिया गया था। बता दें कि सुपर मून का यूनिवर्सल टाइम सुबह के वक्त होने के कारण ही इसे सुपर फ्लावर मून का नाम दिया गया है, क्योंकि यह समय फूलों के खिलने का होता है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है इस बार सुपर मून देखने के लिए लोगों को काफी समय मिलेगा। उनका कहना है कि 7 मई को दिखने वाले सुपर मून को गुरुवार से लेकर अगले दिन शुक्रवार तक देखा जा सकेगा। चंद्रोदय से चंद्रास्त के वक्त सुपर मून का नजारा सबसे खास होगा। आइए आपको बताते हैं कि भारत में किस वक्त दिखेगा सुपर मून। 7 मई को आसमान में दिखने वाले सुपर मून का ग्लोबल टाइम सुबह 6:45 बताया जा रहा है, लेकिन भारतीय समय अनुसार यह सुपर मून आसमान में शाम को तकरीबन 4:15 दिखना शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार इस बार सुपर मून का रंग शुरुआत में थोड़ा गुलाबी रहेगा, इसके बाद इसका रंग थोड़ा संतरा और हल्का पीला भी हो सकता है। आपको बताते हैं कब दिखता है सुपर मून। चंद्रमा की पृथ्वी से सामान्य दूरी 4,06,692 किलोमीटर है, जिसे अपोजी कहते हैं। पृथ्वी से इसकी न्यूनतम दूरी 3,56,500 किलोमीटर होती है, इसे पेरिजी कहते हैं। इस वक्त चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है। उसी दिन आसमान में सुपर मून नजर आता है। आखिर क्यों खास होता है सुपर मून? सुपर मून के वक्त चांद अपने सामान्य आकार से ज्यादा बड़ा और चमकदार नजर आता है। इस दिन चंद्रमा आकार में करीब 14% बड़ा दिखाई देता है और इसकी चमक करीब 30% ज्यादा होती है। नासा के अनुसार सुपर मून का अस्तित्व पहली बार साल 1979 में सामने आया था।